नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और महज 33 सीटों पर सिमटते हुए नजर आई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण कई सारे बताए जा रहे हैं। चुनावी ज्ञानियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो प्रत्याशियों का चयन है वो सही तरीके से नहीं किया और उससे भी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि ठाकुर और ब्राह्मण जो वोट बैंक था, जो समुदाय था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था। जिस तरीके से राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर जैसे सहयोगी दलों ने, सहयोगी नेताओं ने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया, अब ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर, पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका नतीजा देखने को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अब एक और बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है और वो चुनौती है साल 2027 के विधानसभा चुनाव। अब इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में चल रही है कि समाजवादी पार्टी यदि मजबूत बनी रही तो 27 यानी 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजा भैया समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में भाजपा के हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी भी है, तो वहीं पर अनुप्रिया पटेल के बयानों का भी असर देखने को मिला। अक्षय प्रताप सिंह का कहना है कि राजा भैया के चहिता ना सिर्फ ठाकुर है बल्कि सभी वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि 1996 से लेकर अब तक किसी ने भी प्रतापगढ़ को ललकारा है तो जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप का यह बयान काफी ज्यादा अब चर्चाओं में आ गया है। बता दें कि इनके बयान में कहा जाता है कि पूर्वांचल में भाजपा के हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी मानी जा रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव साल 2024 में राजा भैया के रुख को देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2027 में वह अखिलेश यादव के साथ आएंगे और अगर अखिलेश यादव और राजा भैया साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रोक पाएगी यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और राजा भैया और अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं साथ आ गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट।